हेलो माय टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो गाइस, आज मैं बना के दिखाऊंगा जो कि हनी केक। तो ये वाला जो केक है हनी केक, बेंगलोर का बहुत ही फेमस केक है, जो कि आपको मैं आज दिखाऊंगा बना के कैसे बनाना है। मेरा ऑर्डर था जो मैं बना के दिखाऊंगा। तो गाइस, वीडियो पूरा देखने से ही आपको मालूम चलेगा मैं कैसे कैसे रेडी किया हूँ। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देखा, मैं नॉर्मल वनीला स्पॉन्ज ही लिया हूँ, जो कि हम रेगुलर यूज़ करता हूँ। उसी को मैं अच्छे से ऊपर नीचे ट्रिमिंग कर लिया हूँ, जो कि मैं वीडियो में आपको नहीं दिखाया हूँ। आप भी अच्छे तरीके से ट्रिमिंग जो कि कर लेना है। तो गाइस, जैसे कि ट्रिमिंग करने के बाद मैं जो डाला हूँ, बटर क्रीम डाला हूँ। आप बटर क्रीम ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो कि है बटर क्रीम में ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि ये वाला बटर क्रीम में ही चलता है। और गाइस, इसको बटर क्रीम में ही बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी होने वाला है। फ्रेश क्रीम नहीं यूज़ करिएगा इसमें। तो गाइस, जैसे कि देखा, मैं लेयरिंग मतलब दूसरा ट्रे से 2 पीस लेयरिंग कर लिया हूँ। उसमें 2 पीस जो कि मैं डाला हूँ, और मेरा था ऑर्डर 60 पीस, जो कि मेरा ये वाला केक डेली 800-900 पीस मेरा डेली ऑर्डर है गाइस। तो आप भी एक बार बना के ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो गाइस देखिए, मैं डाला हूँ जो कि जैम डाला हूँ, जो आपको भी डालना है जैम। गाइस, मैं डाला हूँ जो कि मिक्स फ्रूट जैम। नॉर्मली जो जैम रहता है, जो बेकरी में डाला के बस आस पास भी होंगे, तो वही वाला जाम, जो आपका पास जाम रहे उसी को डाल लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं डाला हूँ मिक्स फ्रूट का जाम। उसको मैं ज़्यादा भी नहीं डाला हूँ, जितना चाहिए उतना ही डाला हूँ। जो डाल के अच्छे से उसको मैं फिनिशिंग कर दिया हूँ गाइस। और उसके बाद जो कि मैं कटिंग कर लूँगा, जो साइड वाला पीसेस था काला काला था, उसको मैं निकाल लूँगा, जो कि उससे भी मैं वेस्ट नहीं करूँगा। उसके को भी हम लोग यूज़ करता हूँ मैं, उसको भी उसका भी वीडियो आपको जल्द ही डालने वाला हूँ, जो कि बना के। तो गाइस, जैसे मेरे को 30 पीस करना था, तो मैं अच्छे तरीके से पीसेस को स्क्वायर शेप में अच्छे से कटिंग कर लिया हूँ। तो गाइस, आपको ऐसा ही बनाने का मतलब नहीं है, आप कैसे भी बना सकते हो इसको, जो कि आपका राउंड स्पॉन्ज है उसमें भी बना सकता है। तो गाइस, आप कैसे भी बनाइएगा, लेकिन तरीका को कैसे बनाना पूरा अच्छे से प्रोसेस को देख लीजिएगा। तो गाइस, जैसे कि देखा, मैं उसके बाद शुगर सिरप लिया हूँ और उसमें ऑरेंज क्रश जो कि गाइस ऐड किया हूँ, आप देख ही रहा है वीडियो में। उसके बाद जो कि मैं एवरी ग्रीन का जो कोकोनट पाउडर आता है पैकेट, उसी को लिया हूँ। आप लोग का पास जो भी कोकोनट पाउडर ब्रांड का जो है वो ले लीजिएगा, जो कि आपको देखा ताते में रख के ट्रे में रखा हूँ कोकोनट को, और इधर सिरप को मैं अच्छे से मिक्स करके उसमें ऑरेंज कलर भी डाल लिया था, आप लोग देखा ये वीडियो में। तो मैं जैसे जैसे किया हूँ गाइस, आपको भी वैसा ही करना है बिल्कुल। मैं आपको जैसे दिखाया, देखिए मेरा कितना अच्छा फिनिशिंग आया है, क्योंकि मैं ड्रिपिंग की जैसे किया हूँ, एक ट्रे से उठा के उसको सिरफ लगा के अच्छे सिरप में डुबो के फिर दूसरा ट्रे में है, उसी तरीका से मैं उसको रखा हूँ, ताकि मेरा फिनिशिंग जो कि है अच्छा दिखे। और गाइज, आपको भी डिपिंग का हमेशा याद रखना, मैं जैसे किया वैसे ही करना। काफ़ी लोग इसको बनाता है, किसी किसी को तो मालूम भी नहीं, कोई कोई लोग बनाता है जो कि डिपिंग करता है, करके अच्छा तरीका से नहीं रखता है, जो कि बिगड़ जाता है जो सेब है। तो मेरा देखा है बिल्कुल जैसा कैसे मैं इस तरह में था, पहले कैसे मैं कटिंग करके लिया, उसके बाद डिपिंग करने के बाद भी मैं बिल्कुल ऐसे ही रखा हूँ। तो आपको भी ऐसे ही रखना है। उसके बाद जो कि डिज़ाइन करना है बटर क्रीम से ही, मैं बटर क्रीम से ही जो कि डिज़ाइन कर रहा हूँ। आप इसमें कौन सा भी डिज़ाइन कोई सा भी कर सकता है। मेरा रेगुलर 900-800 पीस ये जो कि ऑर्डर आता है। तो मैं इसको कैसा लगा ये वाला हनी केक डिज़ाइन और हनी केक रेसिपी? तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और गाइस, जैसे कि देखा, मैं अंदर ज़्यादा मैं सिरप नहीं, सिरप में जैसे कि मैं डुबोया था, मैं ज़्यादा टाइम नहीं रखा, क्योंकि मैं बॉक्स में पैकिंग करके देना है, मेरा बॉक्स भीग जाएगा इसीलिए। अगर आप घर में खाने के लिए बनाएगा, तो अच्छा तरीके से सिरप में डिप कीजिएगा, ताकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आए।